देखिए, कुलदीप बिश्नोई की पार्टी बदलना और ये उस कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी सवाल देता तो बेहतर है, परंतु आपने सवाल किया तो मेरा उत्तर देना भी मेरी जिम्मेवारी बनती है। अगर आप कुलदीप बिश्नोई का इतिहास देखें और अतीत में भी जाएं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो नाराज होकर इन्होंने 2 दिसंबर 2005 को एक हरियाणा जनहित पार्टी बनाई। उस समय इनके पास कुछ भी जनाधार नहीं आया और ये कह रहे थे कि हम सरकार बदल देंगे, परंतु इनके पास कुछ नहीं हो पाया, तो मात्र एक या दो विधायक ही रोहतक की उस रैली में जोड़ पाए। उसके बाद ये अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते हुए घूम रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, और उनके पास केवल सिवाय आज मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के अलावा उनका अब कोई भविष्य नहीं है। वजह ये है कि जो वोट बैंक आदमपुर के अंदर होता था, वो वोट बैंक में आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सेंध लगा चुकी है, और कहीं ना कहीं शायद कुलदीप बिश्नोई को भैंस तारा होगा, या तो जो पीछे ईडी ने इनके रेड मारी थी जिसमें कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई का नाम आया, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं साफ संकेत करती है, या तो कुलदीप बिश्नोई ने मौजूदा सरकार के सामने घुटने टेक दिए, या भाजपा के जीत के आसार आदमपुर हल्के में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और खुद की राजनीतिक हार दिखाई दे रही है। तो दोनों ऐसे कारण हैं जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई को, जो कभी इनके पिताजी सोनिया गांधी और कांग्रेस को माँ मानते थे, आज उसी कांग्रेस को उसी माँ को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। तो इनका एक व्यक्तिगत लालच में मानता हूँ, व्यक्तिगत स्वार्थ है जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अदरवाइज पूरा हरियाणा में इन लोगों का अब कोई जनाधार नहीं है, ना कोई इनका दमखम है। भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक को जो इनका होता था उसको पहले ही वो सेट कर चुकी है। सर, सितंबर माह में पंचायती चुनाव होने वाले हैं, इस पर इनेलो के अपने सिंबल पकड़ेगी? जी, जैसे हमारे नेता जो ये अभय सिंह चौटाला जी ने, जो ओम प्रकाश चौटाला जी से सलाह करके एक फैसला लिया है कि जिला परिषद के चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी, पर सवाल ये है कि सरकार चुनाव कराएगी कब? आप ये देखिए, बहुत लंबा समय बीत गया, जिला परिषद के चुनाव नहीं कर पा रहे, पंचायतों के चुनाव नहीं कर पा रहे, पंचायतों के सभी कार्य ठप पड़े हैं, कोई पंचायतें फैसला लेने में सक्षम नहीं है, सारी शक्तियां सरपंचों से लेकर सरकार के द्वारा अपने अधीन ले ली गई है। तो गांव की तो चौधर रही नहीं, गांव की चौधर तो आज अफसरों के पास है, डीसी महोदय के पास है, गांव के लोग अपना फैसला नहीं ले पाते, और कानून सम्मत भी अगर जिला परिषद का कार्यकाल है, पंचायत का है, सरपंच का है, इनको 6 महीने के अंदर अंदर ये कार्य करवाना चाहिए था चुनावों का, परंतु इन्होंने उल फजूल कि एक ड्रामेबाजी कर रखी है इस मैटर को लिंग रोन करने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह रखा है कि आप किसी प्रकार का चुनाव का जो एजेंडा है उसको समय रहते समय अवधि में पूरा करें, तो सरकार क्यों भाग रही है चुनाव से? सरकार अगर शहर के चुनाव करा सकती है तो गांव के चौधर के चुनाव क्यों नहीं करवा सकती? ये सरकार का नजरिया गांव ग्रामीण इलाकों के साथ भेदभाव को दर्शाता है। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है गांव की समस्याओं को लेकर, उनके कान पे जू नहीं रह गई सरकार के कि भी गांव के लोग कितनी तकलीफ में, उनके विकास कार्य ठप पड़े हैं। तो मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं, अदरवाइज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चीज का पुरजोर विरोध करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।